अल्लाह मुझे तो इसको दूं, कुछ खा ही नहीं रहा। ये लो बेटा, सारी चीजें तुम्हारी पसंद की हैं, पर देश में कहाँ मिलते हैं ये खाने। ठीक कह रही है अम्मी, वहां ये सब कुछ नहीं मिलता, बस फास्ट फूड खाता रहता था, घर की बहुत याद आती थी। बेटा माँ के हाथ के खाने का मजा ही अलग है। ये तो है। जेबू और फवाद खाने पे नहीं आए? वो दोनों तो बाहर गए हुए हैं, मेरे ख्याल खाना खा कर ही आएंगे। हाँ आज आउटिंग का प्रोग्राम था तो लेट आएंगे वो। गुड। क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा रहे हो, किस सोच में गुम हो बेटा? खा रहा हूँ मम्मी, बस ने इतना सब कुछ बनाया है, समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया मैंने, तुम्हें खाना पड़ेगा ये। बेटा माँ का प्यार तो ऐसा ही होता है। फिर जान तुमने इतनी मेहनत की, परदेश में रहे हो, पैसा कमाया है, फवाद का इलाज करवाया, हर जिम्मेदारी को खुश असलूबी से निभाया तुमने, अभी तक निभा रहे हो, इतना भी ना करूँ मैं तुम्हारे लिए? भाई इसीलिए तो कहते हैं ना कि इत्तेफाक में बरकत है, जब सारे रिश्ते मिलजुल कर रहते हैं तो फिर रिश्तों में भी बरकत होती है। सही कहा आपने, मेरी तो यही ख्वाहिश है कि रिश्तों की मोहब्बत कायम रहे।